सर हमारा चैनल बैन है क्या? नहीं बैन क्या मतलब? नहीं सबको दे रहे थे ना? ऐसा थोड़े होता है। नहीं बैन है क्या? अभी आपने लिया ना? नहीं नहीं आप तो दूसरे लोगों में तो लिया। दूसरे लोग ले तो अभी हम आपको पहचान ले इसलिए आपको मना कर दिया। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिखी जो अमर काव्य है। हालांकि हरिवंश राय बच्चन खुद भी अमर हो गए, होते तो एक और मधुशाला की गुंजाइश होती जो सत्ता के नशे पर लिखी जाती। कम पीने वालों पर ज्यादा नशा हावी होने वालों के लिए हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, पीकर मदिरा मस्त हुआ तो प्यार किया क्या मदिरा से, मैं तो पागल हो उठता हूं जब सुन लेता नाम मधुशाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी पर सत्ता का जो नशा हावी है उस पर क्या लिखूं, मुझ जैसे साधारण पत्रकार को समझ नहीं आता। इंतजार रहेगा सत्ता के नशे पर भी कुछ लिखा जाए। वैसे मुकेश सहनी जिस अहंकार में मदमस्त हैं, जो नशा उन पर हावी है उसके लायक वे हैं भी या नहीं, इसको समझे जाने की जरूरत है। मुकेश सहनी का राजनीतिक चरित्र हम भी आपको समझाते हैं। सहनी एनडीए का हिस्सा थे, साल ठीक से याद हो तो 2018 में आरक्षण के मुद्दे को लेकर एनडीए से अलग हो गए और महागठबंधन में शामिल हो गए। महागठबंधन में जाने के बाद कभी आरक्षण की बात नहीं की, बस कभी तेजस्वी यादव के दरबार में तो कभी लालू यादव के दरबार में हाजिरी लगाते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने दो सीटों के लायक भी नहीं समझा, इसलिए दो सीटें मिली तेजस्वी ने। भारी नुकसान सहकर मुकेश सहनी को लोकसभा की ये दोनों सीटें दी। इस बंटवारे की वजह से आरजेडी को अपने पुराने नेता अली अशरफ फातमी को खोना पड़ा। वे जेडीयू में शामिल हो गए, बाद में उनके विधायक बेटे भी जेडीयू में शामिल हो गए। मुकेश सहनी एक भी सीट नहीं जीत सके। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को छोड़ दें तो महागठबंधन के दूसरे दलों का खाता भी नहीं खुला। विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम का ख्वाब देखने वाले मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने एक सीट के लायक भी नहीं समझा था। तेजस्वी मुकेश सहनी की राजनीतिक हैसियत समझ चुके थे और उनकी हवाबाजी भी। तिल मिलाए मुकेश सहनी ने महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़ दी और पीठ में खंजर घोंपने का आरोप लगाया। कमाल देखिए कि निषाद समाज के आरक्षण को लेकर एनडीए का साथ छोड़ने वाले मुकेश सहनी को तब आरक्षण याद नहीं आया और वे बीजेपी के साथ हो लिए, यानी वाया बीजेपी एनडीए में शामिल हो गए। चार सीटें, एक एमएलसी पद और एक मंत्री पद के लिए मुकेश सहनी आरक्षण को भूल गए। बीजेपी ने एमएलसी बनाया भी तो बस डेढ़ साल के लिए। सहनी की इस राजनीतिक ठगी को उनकी ही पार्टी के कई नेताओं ने पहचाना और एक एक कर वे उनसे अलग होते गए। सहनी आज आरक्षण के लिए मंत्री पद छोड़ने की बात करते हैं, यह कितना बड़ा जुमला है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुकेश सहनी राज्यपाल से मिलते हैं, मीडिया के सामने आरक्षण की बात करते हैं, एक बार भी बीजेपी के बड़े नेताओं से आरक्षण के लिए मुलाकात नहीं की, या फिर हो सकता है बीजेपी के बड़े नेता भी मुकेश सहनी की राजनीतिक हैसियत पहचानते हो इसलिए उन्हें वक्त न मिला हो। फिलहाल अभी इतना ही, ढेरों रंग हैं इस सियासत के, आपको हर रंग से रूबरू कराते रहेंगे। नशा चाहे सत्ता का हो या फिर किसी और चीज का, टूटता ही है। हम ठीक से अपना काम कर लेंगे तो सत्ता के अहंकार को चकनाचूर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।